क्लास वन इस चैप्टर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ प्लांट। चैप्टर टू हम रिवाइज कर रहे थे, ठीक है, जिसका नाम था प्लांट्स अराउंड अस। इसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ प्लांट। टाइप्स ऑफ प्लांट में हमने देख लिया था ट्री के बारे में, ट्री कैसा प्लांट होता है, बिग प्लांट होता है। आज हम देखेंगे स्मॉल प्लांट। स्मॉल प्लांट के दो टाइप होता है, हर्ब और सर्व, ठीक है। ये दोनों छोटे पौधे होते हैं। सबसे पहले सर्व के बारे में देख लीजिए। सर्व आर स्मॉलर देन ट्री। सर्व क्या होता है, वह ट्री से छोटा होता है। दे हैव ए बूसी लुक। इनका लुक कैसा होता है, झाड़ियों जैसा होता है, ठीक है, ये झाड़ी जैसा दिखाई देता है। सर्व्स हैव ए थिन वुडी स्टीम। इसकी पतली लकड़ी की स्टीम होती है, ठीक है। पेड़ का क्या होता है, स्टीम मोटा होता है, लेकिन सर्व्स का क्या होता है, पतला होता है और लकड़ी का होता है। दे लीव फॉर ए फ्यू ईयर ओनली। और ये कुछ ही सालों तक जीवित रहता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, रोज, गुलाब, जैस्मीन और हिबिस्कस, गुड़हल, ये तीनों आ जाएंगे इसके उदाहरण में, ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाएंगे। आगे है हर्ब। हर्ब आर वेरी वीक प्लांट। हर्ब जो है वो बहुत ही कमज़ोर प्लांट होता है। दे हैव ए सॉफ्ट ग्रीन स्टीम। इसकी जो तना होता है वो मुलायम होता है और ग्रीन कलर का होता है। हर्ब लीव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ। और हर्ब जो है वह कुछ ही महीनों तक जीवित रहता है। आप देखते होंगे जो धनिया है, पुदीना है, वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहता है। वो क्यों, क्योंकि वह सूख जाता है, ठीक है, वो सूख जाता है, उसके बाद वह ख़त्म हो जाता है और ये बहुत ही कमज़ोर होता है, इसी वजह से ये ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाता है। इसमें देख लीजिए एग्जाम्पल में आ जाएगा कोरिएंडर, धनिया, स्पिनिच, पालक और मिंट, मतलब हो गया आपका पुदीना। यहाँ पे दिया है डायग्राम कुछ, ठीक है। इसमें जो ट्री है उसके लिए टी लिखना होगा, जो सर्व है उसके लिए एस लिखना होगा और जो हर्ब है उसके लिए एच लिखना होगा आपको दिए हुए बॉक्स में। तो चलिए देख लेते हैं ये किस चीज़ का डायग्राम है। पहला वाला ट्री का है, तो यहाँ आप क्या भर देंगे, ट्री भर देंगे। ये किस चीज़ का डायग्राम है, ये हर्ब का डायग्राम है, क्योंकि ये बहुत छोटा प्लांट बनाया हुआ है ना, तो इसमें आप क्या भर देंगे, एच भर देंगे। ये किस चीज़ का फिगर है, जैस्मीन का फिगर, और जैस्मीन क्या होता है, सर्व होता है, ठीक, इसमें सर्व भर देंगे। ये क्या है, ये कोकोनट ट्री दिख रहा है ना, तो इस पर आप क्या भर देंगे, ट्री भर देंगे, टी भर देंगे। ये क्या दिख रहा है, हर्ब दिख रहा है, ये धनिया पत्ती दिख रही है ना, धनिया के जैसा दिख रहा है, तो ये क्या है, ये हर्ब है, इसमें आप क्या भर देंगे, एच भर देंगे। ये क्या है, गुलाब है, गुलाब कौन सा प्लांट टाइप का प्लांट होता है, सर्व होता है, तो इसमें आप क्या भर देंगे, एस भर देंगे। इस तरीके से आप इसको अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। हम इसके बाद पढ़ेंगे ऐसे प्लांट्स के बारे में जो सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ा स्मॉल प्लांट्स, जिसमें हर्ब और सर्व दोनों के बारे में पढ़ा। तो सर्व क्या होते हैं, सर्व जो होते हैं वह ट्री से छोटे होते हैं, इनकी लकड़ी की स्टीम होती है, ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, वुडी होती है। लेकिन जो ये आपका हर्ब होता है, इसकी स्टीम ग्रीन कलर की होती है, सॉफ्ट होती है और ये काफ़ी मुलायम होता है और कमज़ोर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने दो पढ़ा, बिग और स्मॉल प्लांट। बिग प्लांट में आ गया ट्री और स्मॉल प्लांट में आ गया हर्ब और सर्व। तो इसको आप रिवाइज करिएगा। इसके बाद हम देखेंगे ऐसे प्लांट्स के बारे में जो सीधे खड़े नहीं हो सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।